गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका कमीशन कन्या विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था आयन अवशोषण। आयन अवशोषण में हम दो विधियों का अध्ययन कर चुके थे। कौन कौन सा? एक तो है मुक्त अवकाश, ये निष्क्रिय अवशोषण। कौन सा है? निष्क्रिय अवशोषण, ठीक है। इसमें प्रज्वलित मुक्त अवकाश कर चुके थे हम। और दूसरा है आयन निर्णय, दूसरा प्रज्वलित आयन, ठीक है। उसके बाद तीसरी विधि जो आती है वो आती है डोनर संतुलन। डोनर संतुलन क्या है? देखिए, डोनर संतुलन के बारे में विभिन्न वैज्ञानिक विभिन्न मत दे चुके हैं, ठीक है। ये कहता है कि जो अर्धपारगम झिल्ली जो होती है, वो झिल्ली जो होती है, कोशिका की जो झिल्ली होती है, वो धनायन और ऋणायन के प्रति पारगम होती है। क्या होती है? धनायन और ऋणायन के प्रति क्या होती है? पारगम होती है। और झिल्ली से धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो आसानी से बाह्य विलयन से कोशिका के अंदर, कोशिका से बाह्य विलयन के अंदर जो है वो आसानी से आ जा सकते हैं। और ये कब तक होता रहता है? जब तक कि बाह्य विलयन और कोशिका द्रव्य के मध्य आपस में एक साम्य अवस्था या संतुलन स्थापित नहीं हो जाए, तब तक यह धनायन और ऋणायनों का विसरण जो है इनमें आपस में होता रहता है, ठीक है। इनके मध्य जो है विद्युत स्थिरता संतुलन रखी जाती है, ठीक है। भीतर की ओर जब तक विस्तृत आयनों की संख्याओं में ऋणायन और धनायनों की संख्या समान नहीं हो जाती, तब तक इनके अंदर ये विनिमय चलता रहता है, ठीक है। अब जैसा कि पूर्व मान चुके हैं, इसमें बताया जाता है कि कोशिका की झिल्ली के अंदर कुछ ऋणायन जो होते हैं वो पहले से अवस्थिर ऋणायन जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, अर्थात ऋणायन जो है पहले से ही कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, अर्थात वो विसरण नहीं करते, वो कोशिका से बाहर या कोशिका के अंदर जो है अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आ पाते। उनको संतुलित करने के लिए वहां पर पहले से ही धनायन स्थित होते हैं, ठीक है। और धनायन होने के कारण, ठीक है, वहां पर धनायन होते हैं। अब क्या होता है? कोशिका के बाह्य विलयन से धनायन और ऋणायन दोनों जो होते हैं वो कोशिका के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, ठीक है। पहले धनायन ऋणायन प्रवेश करते हैं और ऋणायनों को संतुलित करने के लिए धनायन भी प्रवेश करते हैं। इस कारण से जो है कोशिका के अंदर जो है वो ऋणायनों की संख्या जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अर्थात ऋणायनों का जो संचय होता है वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। इसलिए इस डोनर संतुलन बताया गया कि जो इनका विलयन का जो आप ऋणायन है उनका जो संचय है या उनका जो गमन है वो कोशिका के अंदर सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। इसको समझिए कैसे। इन्होंने क्या बताया? कोशिका के अंदर ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर इन्होंने बताया कि भाई यहां पर कुछ स्थिर धनायन और ऋणायन होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये ऑलरेडी जो है स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। इनको संतुलित करने के लिए यहां पर जो है धनायन स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? धनायन होते हैं। और कोशिका के बाहर भी ऋणायन और धनायन जो होते हैं वो जो है स्थिर होते हैं। ये कोशिका के बाहर भी धनायन ऋणायन स्थिर होते हैं, ठीक है। इनको संतुलित करने के लिए धनायन जो है वो स्थित होते हैं। ठीक है, अब यहां पर छह तो है बी आर माइनस और छह है आपके के प्लस, ठीक है। ऐसे कोशिका के अंदर छह तो है आपके ए माइनस और छह है आपके के प्लस, ठीक है। ये जो है कोशिका के अंदर जो है पहली इक्वेशन है कि अंदर जो है इसके अंदर स्थिर ऋणायन है, उनको संतुलित करने के लिए क्या है आपके पास? धनायन है, ठीक है। कोशिका के बाहर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? ऋणायन और धनायन स्थित होते हैं। अब क्या है? कोशिका के भीतर जब ऋणायन प्रवेश करते हैं तो ऋणायन प्रवेश करने के साथ ही क्या करते हैं? उनको संतुलित करने के लिए धनायन के अंदर प्रवेश करते हैं। तो देखिए दूसरी इक्वेशन में क्या होगा? ये ऋणायन तो पहले से ही यहां पर क्या है? स्थिर है।
क्या हुआ स्थिर है, इनको संतुलित करने के लिए धनायन स्थित है, अब कोशिका से बाहर से ये जो आपके बीआर है ये कोशिका के झिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए यहां से ये बीआर माइनस के प्लस, उसके बाद फिर बीआर माइनस, अब ये बीआर माइनस जो यहां से यहां प्रवेश कर रहा है, ठीक है, बीआर माइनस बीआर माइनस संतुलित करने के लिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस। अब यहां से क्या हुआ, प्रणायन जो है वो कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश कर गए। अब यहां पर क्या है कि आपके जो के के प्लस जो है वो तो क्या धनायन के कोशिका के झिल्ली के अंदर बाहर ज्यादा है और ऋणायन जो है वो कोशिका झिल्ली के अंदर ज्यादा है, ठीक है, तो इनको संतुलित करने के लिए ऋणायन क्या करेंगे, कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे। अब यहां पर बाहर जो है कोशिका झिल्ली के बाहर जो है वो आपके चार तो रह जाएंगे, के प्लस और चार रह जाएंगे आपके बी आर माइनस। चार तो रह जाएंगे आपके के आर प्लस और चार ही बी आर माइनस, अर्थात कोशिका झिल्ली के अंदर जो है, अब देखिए आप अब देखिए यहां पर आगे स्थिति क्या होगी, यहां पर कितने हैं चार बी आर माइनस और चार है आपके के प्लस, कोशिका के बाहर आउटसाइड आउटसाइड कोशिका झिल्ली के आउटसाइड, अंदर देखिए आप एक दो तीन चार पांच छह, छह तो है आपके के प्लस, दो है बी आर माइनस और आठ है आपके के प्लस, के प्लस कितने हैं आठ, कितने हैं आठ, अर्थात जो है धनायन और ऋणायन का जो संचय होता है वो क्या है आपका, क्या है धनायन संचय, कोशिका झिल्ली के अंदर जो है वो अधिक मात्रा में होता है, अर्थात बाहर कोशिका झिल्ली के बाहर जो है वो धनायन ऋणायन जो है वो कम मात्रा में होते हैं और कोशिका झिल्ली के बाहर जो है वो सॉरी अंदर जो है वो अधिक मात्रा में होते हैं। इस प्रकार ये कहते हैं कहता है कि कोशिका के अंदर ऋणायनों की मात्रा जो होती है वो कोशिका से कोशिका के बाहर ऋणायनों की मात्रा से अंत अधिक होती है, अर्थात सांद्रता प्रवणता के विपरीत यहाँ पर आयनों का अवशोषण होता है। इस प्रकार का जो संतुलन है उसे हम दोलन संतुलन कहते हैं। अगर कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर स्थित ऋणायनों स्थिर ऋणायनों के कारण कोशिका के भीतर उपस्थित विस्तृत ऋणायनों की संख्या बाह्य विलयन की अपेक्षा कम होती है। अब देखिए आप सोचिएगा कि बाह्य विलयन में विसरणीय ऋणायन जो है वो अधिक है, चार है, ठीक है, अंदर कितने हैं दो है, केवल अंदर कितने हैं दो है, अर्थात सांद्रता प्रवणता के विपरीत जो है वो इसमें आय होता है। और यहाँ पर के प्लस कितने हैं, देखिए धनायन जो है वो बाह्य विलयन की अपेक्षा अधिक होते हैं, धनायन क्या है आठ है, यहाँ पर कितने चार है, कितने आठ है, जो आसानी से क्या कर सकते हैं विसरण कर सकते हैं। इस प्रकार का जो संतुलन है इसे हम डोनल संतुलन के नाम से जानते हैं, अर्थात कोशिका में सांद्रता प्रवणता के विपरीत ऋणायनों का संचय किस प्रकार से होता है यह डोनल संतुलन जो हमें बताता है। यह हुआ आपका निष्क्रिय अवशोषण में लास्ट डोनल संतुलन, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट आता है सक्रिय अवशोषण, नेक्स्ट क्या आता है सक्रिय अवशोषण, आयनों का सक्रिय अवशोषण।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयनों का सक्रिय अवशोषण, आयनों का सक्रिय अवशोषण। अब देखिए सक्रिय अवशोषण जो है, मैं पहले बता दूंगा आपको, सक्रिय अवशोषण के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात सक्रिय अवशोषण जो है ऊर्जा के माध्यम से होता है, ठीक है, अर्थात जो है ऊर्जा की सहायता से आयनों के अवशोषण में, अवशोषण तथा परिवहन की जो क्रिया होती है, ठीक है, उसे सक्रिय आयन अवशोषण कहते हैं। इस तरह जब आयनों के लिए, जब आयनों के अवशोषण के लिए, अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार के अवशोषण को कहते हैं सक्रिय अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय अवशोषण कहते हैं, ठीक है, अर्थात जब उपापचयी ऊर्जा से उपापचयी क्रिया द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा का उपयोग जो है वो किसमें? सक्रिय आयन अवशोषण में किया जाता है। कौन सी ऊर्जा होगी? उपापचयी क्रियाओं में, उपापचयी क्रियाओं में मुक्त ऊर्जा, ठीक है, मुक्त ऊर्जा जो है उसका उपयोग जो है वो आयनों के अवशोषण में किया जाता है। इस प्रकार का जो अवशोषण है उसे हम सक्रिय आयन अवशोषण कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है इस परिकल्पना के अनुसार विभिन्न परिकल्पनाएं दी गई अवशोषण संबंधित कौन कौन सी है। नंबर एक पढ़ते हैं इसमें हम, कौन सा आपका वाहक परिकल्पना, नंबर एक है इसमें वाहक परिकल्पना, अर्थात जो है वो इन अवशोषण के लिए वाहक होते हैं, ठीक है, और जो वाहक होते हैं ये वाहकों के माध्यम से आयनों का अवशोषण होता है, ठीक है। इस परिकल्पना का प्रतिपादन जो है वो वॉन डेन हॉवर्ड ने किया, वॉन डेन हॉवर्ड, वॉन डेन हॉवर्ड ने इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार जो है कोष्ठा के भीतर कुछ आंतरिक अवकाश उपस्थित होते हैं, ठीक है, इन उपापचयी क्रियाओं की मध्यस्थता से कोष्ठा के भीतर स्थान में आयनों का प्रवेश होता है, जो अवकाश होता है उसमें होता है आयनों का प्रवेश होता है, उसे हम आंतरिक अवकाश कहते हैं, ठीक है। इस कोष्ठा द्रव के अंदर प्लाज्मोस्टोमेटा, जो जीवित तंतु होते हैं, इन प्लाज्मोस्टोमेटाओं के माध्यम से जो है आंतरिक अवकाश में पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से जो है वो आयनों का क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक झिल्ली होती है जो जो इन आयनों के अलावा अन्य किसी के लिए क्या होती है? अपारगम होती है, ठीक है। वाहक संकल्पना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वाहक आयन कॉम्प्लेक्स, इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वाहक आयन कॉम्प्लेक्स। अब इन्होंने क्या बताया कि वाहक जो होते हैं वो आयन के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से वो जो है आयनों को जो है क्या करते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर पहुंचाते रहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि कोशिका झिल्ली के अंदर कुछ वाहक पाए जाते हैं, वेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है, और यहां पर पाए जाते हैं आपके लवण, यहां पर क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं, जैसे के प्लस है, बी आर माइनस है, ये क्या है यहां पर? आयन है, क्या है यहां पर? आयन है। अब इनके अंदर धनायन और ऋणायन के लिए विशेष वाहक उपस्थित होते हैं। अब क्या होता है, जितने वाहक होंगे वेक्टर होंगे, वो वेक्टर क्या करते हैं, इन वाहकों के साथ जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है, आयन वाहक आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ये कोशिका झिल्ली के अंदर जो है कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब आप एक बात समझिए, ये कब तक चलता रहता है? जब तक कि जितने वाहक उपस्थित हैं उतने ही धनायन और ऋणायन होंगे, तब तक तो ये क्रिया चलती रहेगी, लेकिन वाहक जब वाहक समाप्त हो जाएंगे, जब वाहक पूर्णतः मुक्त नहीं होंगे, तो चाहे आप आयन की कितनी संख्या बढ़ा लीजिए, यहाँ पर आयनों के डालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि वाहक जो है वो क्या होंगे? फ्री नहीं होंगे, ठीक है। तो इस अवकाश में वाहक उपस्थित होते हैं, इस आंतरिक अवकाश में वाहक जो है वो आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कोशिका झिल्ली के अंदर आयनों क्या करते हैं? गमन करते हैं। ये हुआ आपका वाहक आयन कॉम्प्लेक्स पहली कल्पना। किसने दी थी वाहक कल्पना? वॉन डेन हॉवर्ड ने दी थी। इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली के अंदर जो आंतरिक अवकाश होता है वहां पर क्या होते हैं? वेक्टर उपस्थित होते हैं, जो आयनों के लिए क्या होते हैं? धनायन के लिए विशेष और ऋणायन के लिए अलग अलग जो वेक्टर होते हैं, ये धनायन और ऋणायन का कोशिका के अंदर जो है परिवहन का कार्य करते हैं। जब वाहक नहीं हो उस समय चाहे कितनी भी आयन की मात्रा बढ़ा ली जाए, तब तक वाहक नहीं होंगे, इस क्रिया की दर नहीं बढ़ेगी, ठीक है, सीमित रहेगी, और ये कब तक चलेगी? जब तक कि इनमें संतुलन उत्पन्न नहीं हो जाए, ठीक है।
दूसरा आता है आपका इसमें इसमें दूसरा आता है आपका साइटोक्रोम पंप संकल्पना, दूसरी है साइटोक्रोम पंप संकल्पना, दूसरी है इसमें साइटोक्रोम पंप संकल्पना, साइटोक्रोम पंप संकल्पना, ठीक है। साइटोक्रोम पंप संकल्पना ये क्या कहती है, इसके अनुसार जो है इनके अंदर जो है ये इसका प्रतिपादन किसने किया, लुंडेगार्ड और बर्मस्ट्रॉन्ग ने, लुंडेगार्ड तथा आपका साइंटिस्ट था वर्मस्ट्रॉन्ग, बर्मस्ट्रॉन्ग, बर्मस्ट्रॉन्ग, इसने इसे क्या किया, प्रतिपादन किया। लुंडेगार्ड ने बताया कि भाई इससे हम जो है इस सिद्धांत को जो क्या कहते हैं, रेनायन सोपान सिद्धांत भी कहते हैं, इससे हम रेनायन रेनायन सोपान सिद्धांत भी कहते हैं, सोपान सिद्धांत भी कहते हैं, इसे साइटोक्रोम पंप को क्या कहते हैं, रेनायन सोपान सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार जो है इन्होंने बताया कि साइटोक्रोम जो होती है एक श्रृंखला होती है, इसकी रेनायन धनायन की जो है एक श्रृंखला होती है, इसमें रेनायन श्वसन तथा रेनायनों के अवशोषण में श्वसन लवण श्वसन और रेनायन श्वसन के अंदर जो है आपस में संबंध स्थापित होता है, ठीक है। इन्होंने क्या है, निम्नलिखित धारणाओं को आधार मानते हुए इस परिकल्पना को प्रतिपादित किया, नंबर एक रेनायनों का अवशोषण स्वतंत्र रूप से होता है, क्या बताया, नंबर एक रेनायनों का अवशोषण, रेनायनों का अवशोषण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, इन्होंने बताया कि भाई रेनायनों का जो अवशोषण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, ये धनायनों पर निर्भर नहीं करता, ये धनायनों पर निर्भर नहीं करता, क्या बताया इन्होंने, रेनायनों का जो अवशोषण होता है स्वतंत्र रूप से होता है, ये धनायनों पर क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता, रेनायन अवशोषण की क्रियाविधि द्वारा यह संपन्न होता है, यह रेनायनों की क्रियाविधि द्वारा, कौन सी, भिन्न क्रियाविधि, क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। तो ये भिन्न क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि भाई कोशिका झिल्ली को की बाह्य सतह से भीतरी सतह की ओर ऑक्सीजन की क्रमिक सांद्रता प्रवणता जो होती है पाई जाती है, अर्थात यह स्थिति बाह्य सतह पर ऑक्सीकारक और आंतरिक सतह पर अपचयन के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन विधि के द्वारा आयनों का जो है रेनायनों का जो है वो गमन होता है। तो